ओके देन सो अब आई थिंक आप लोग का प्रैक्टिकल अच्छी तरह से हो गया होगा, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन होगा, और थियरी करने में आपको बहुत बोर हो रहा होगा, बट प्लीज करना है बिकॉज वी नो दैट अप्रोक्सीमेटली 20-25 मार्क्स का सीए फाइनल एसएफएम में थियरी आता है, एंड आप लोग को बोर ना हो, आप लोग का फटाफट हो जाए, दो तीन बार मस्त थियरी रिवाइज हो जाए एग्जाम में पहुंचने के पहले. एंड देयरफॉर आई हैव मेड अ 15-पेजर थियोरी फॉर यू. यस, सो टेलीग्राम चैनल से फटाफट डाउनलोड कर लो. अगर आप ग्रुप टू वाले हो देन इन दैट केस आप तो सब्सक्राइब हो, ग्रुप वन वाले प्लीज सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर एंड मोर बेटर अपडेट्स, राइट? एटलीस्ट रिजल्ट तक अपन साथ में रहेंगे, फिर बाद में तो ऑब्वियसली आप चार्टर्ड बन जाएंगे एंड देन नो देयर इज नो लुकिंग बैक. सो मैंने और भी बहुत सारी चीजें सोची है, जैसे ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू कैन सब्सक्राइब, काफी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा. सो सीए फाइनल एसएफएम 15-पेज थ्योरी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. तो सर कैसा है ये थ्योरी, तो ये रहा आप लोगों के सामने 15 पेजेस, सर एक चैप्टर अप्रोक्सीमेटली एक एक दो दो पेजेस में, मेन जो भी अपने चैप्टर है, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, यस स्टार्टअप फाइनेंस के बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड देन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड देन यस एंड देन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, तो सब आ गया इसमें. आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. प्लस जो अपने बाकी चैप्टर्स है, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स है, उन लोग का भी मैंने यहाँ पे थ्योरी ले लिया है जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, सो दैट यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू. अगर मुझे ये फटाफट एक रिकैप करवाना है, क्या बोलते हो, करवा दूं? चलो आओ करवा देते हैं. पहले फटाफट कमेंट कर दो कि ऑडियो वीडियो ऑल वेल बराबर है. यस सर एकदम बराबर है. वैसे ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड आपको बोर्ड पे मिल रहा है, बट आदत हो गई है लाइव के बाद ये करने की. बट यस डेफिनेटली आप लोग ये कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा रहा आप लोग को ये नोट्स, प्लस जो फॉर्मूला का नोट्स दिया था एंड ऑल ऑफ दैट, एंड और आप लोग की कुछ चीजें होगी तो भी बताना. फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर से. सो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो बैंक होता है, बैंक के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं. तो देखो एकदम फटाफट मैं क्विक फायर रिविजन रखूंगा बिकॉज आई नो योर टाइम इज इंपॉर्टेंट, एंड जितने भी ये पेजेस है अपने को क्विकली एकदम इसको कंप्लीट करना है. तो सिक्योरिटाइजेशन का मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ बिकॉज एक बार वो प्रोसेस समझ गए उसके बाद में उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी आया तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट. तो क्या है सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मतलब, तो होना हुआ क्या, बहुत सारे जो बैंक्स है वो लोग ने अपना लोन देना चालू किया. तो से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, मेरे पास 500 करोड़ रुपए थे, ये 500 करोड़ का मैंने लोन दे दिया, ठीक है, हर तरह का लोन दिया. से फॉर एग्जाम्पल मैंने होम लोन भी दिया, ऑटो लोन भी दिया, जो मेरे पास पॉसिबल था वो सारा का सारा लोन मैंने दे दिया. अब हुआ क्या कि ये 500 करोड़ मेरे खत्म हो गए, बट लोन मांगने वाले लोग खत्म नहीं हुए. तो हो क्या रहा है कि अब देर आर मोर कस्टमर हु आर कमिंग टू मी एंड टेलिंग कि हमारे को और भी लोन चाहिए, बट लोन देने के लिए पैसा चाहिए, अपने पास तो यहाँ पे पैसा है ही नहीं, अपना तो पैसा खत्म हो गया, अपन ने तो सब लोन पे दे दिया है. तब एक महान आदमी को, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को एक दिमाग में आया कि यार ये जो मैंने लोन दिया है, ये लोन के सिक्योरिटी में मैंने सारे के सारे लोन के ऊपर एक पेपर्स ले लिए. अगर आप लोगों को पता होगा तो से फॉर एग्जांपल अगर ऑटो लोन इस बैंक ने दिया है तो कहना इसे ऑटो के पेपर्स बैंक के पास पड़ा है, बराबर है. अगर बैंक ने होम लोन दिया है तो होम के सारे मॉर्गेज पेपर्स अपने पास पड़े हैं, बिजनेस लोन दिया है तो बिजनेस के सारे जो पेपर्स है वो अपने पास पड़े हैं. तो ऐसे इतने सारे पेपर्स जो अपने पास पड़े हैं, क्यों ना इन पेपर्स को यूटिलाइज किया जाए. आज की तारीख में ये सारे के सारे जो पेपर्स है वो एक अलमीरा में सबके सब बंद है, बराबर है, एंड दे आर एज गुड एज लिक्विड एसेट्स बिकॉज मेरा 800-500 करोड़ जो भी था मेरे पास वो 500 करोड़ तो मैंने दे दिया है. अब 500 करोड़ के सामने मेरे पास क्या आया है, ये पेपर्स आया है. क्यों ना इन पेपर्स को एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके इन पेपर्स के बेसिस पे और लोन लिया जाए, आई मीन इन्वेस्टमेंट लिया जाए, और वो इन्वेस्टमेंट जो पैसा आया है उससे ये जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उन लोगों को लोन दिया जाए. यस दैट इज द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड सिक्योरिटाइजेशन. तो सर आइडिया तो बहुत अच्छा है बट कैसे करेंगे, तो आओ मैं आपको बताता हूं लॉजिकली. सो 500 करोड़ देखो एकदम इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, एकदम क्विक फायर रिविजन वीडियो है. सो इसके लिए आई वॉन्ट टू एंश्योर कि मैं एकदम बोलते ना चीजों को क्रिस्प रखू, बाकी आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इसके लिए मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने यहाँ पे हर एक चीज का हेड पॉइंट लिख लिया है बिकॉज अंदर का तो वैसे
भी अपने को याद नहीं रहता है। तो मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं सबका यहाँ पे मैंने हेड पॉइंट्स लिख लिया है, बिकॉज एक जगह पे आप लोग के पास हेड पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएगा, देन इन दैट केस आप लोग को और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सो दैट्स द होल थॉट प्रोसेस। सो ये जो भी है जितने भी चैप्टर्स है सबका हेड पॉइंट्स है, मैं क्विकली वो आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा इन द टाइम अवेलेबल, ठीक है। सो एकदम इन डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाएगा, ऊपर ऊपर से आप लोगों को सब चीज समझा दूंगा मैं, सो दैट यू आर एलिजिबल इनफ कि वो 25 मार्क का जो थ्योरी आ रहा है उसमें से अपन एटलीस्ट 20 मार्क्स स्कोर कर ले, अच्छी तरह से चीजें लिख कर आए। एंड एग्जामिनर को भी मैं आपको बोल दूं, SFM में बहुत इनडेप्थ नॉलेज थ्योरी में नहीं चाहिए, उसको भी हेड पॉइंट्स ही चाहिए। तो हेड पॉइंट्स, बाकी खुद का थोड़ा लैंग्वेज यू विल डेफिनेटली गेट, जितने भी मार्क्स का है उसका 80% तो डेफिनेटली मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर। सो सिक्योरिटाइजेशन में बात कुछ ऐसी है कि बैंक के पास जो भी लोन्स था वो पैसा था उसका उसने लोन दे दिया है, अब मेरे पास सब पेपर्स पड़े हैं। नाउ व्हाट द बैंक विल डू इज बैंक ये सारा का सारा पेपर्स को जो इलिक्विड एसेट है उसको लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करना चाहता है। बट सर वो कैसे करेगा ये इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में कन्वर्ट? तो उसके लिए बैंक एक नया एंटिटी फॉर्म करेगा जिसको नाम दिया है SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो ICICI बैंक will now form a new special purpose vehicle, जो ये काम के लिए ही अपन लोग बनाने वाले हैं। तो ICICI बैंक ये SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल को सेटअप करेगा। ये स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या करेगा पता है क्या? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगा और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जाके बोल देगा कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुन, हमारे पास इतने सारे लोन के पेपर्स पड़े हैं, क्या ये लोन के पेपर सही है क्या, क्या ये जेन्युइन है क्या? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलेगा यस, ये सब जेन्युइन है। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये जितने भी लोन के पेपर्स है इसके बेसिस पे कुछ ट्रेंचेस बनाएगा। क्या बनाएगा? अगेन आई एम टेलिंग यू, शॉर्ट में समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। इसके बेसिस पे कुछ ट्रेंचेस बनाएगा, मतलब से फॉर एग्जांपल ऑटो लोन है, अब ऑटो लोन है ना 3 या 5 साल का ही होता है। से होम लोन है, होम लोन 20-25 साल का होता है। से बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन भी 5-10 साल का होता है। सो अलग 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 मेच्योरिटी के अलग अलग पेपर्स है, तो वो अलग अलग बेसिस के ऊपर अपन लोग कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बेसिकली अपन लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब ये जो भी पेपर्स है कह रहा इसे ये सिक्योरिटी है, जेन्युइन है, ये तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने चेक कर लिया है। ये पेपर्स लेकर जाकर मैं इन्वेस्टर को दूंगा और इन्वेस्टर को बोलूंगा कि भाई देखो मेरे पास ये सारे पेपर्स है, क्या आप इस पेपर के बेसिस पे मुझे इन्वेस्टमेंट दोगे क्या? ऑब्वियसली सामने मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो इन्वेस्टर बोलेगा कि हाँ यार सिक्योर हो गया हम लोग। भाई आज आदमी अगर किसी को भी पैसा देता है देन इन दैट केस उसका सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि यार पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं। तो अब ये इन्वेस्टर को टेंशन फ्री हो गया क्योंकि उसको पता है कि यस देयर आर जेन्युइन पेपर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम ही यही है। उसने देख लिया कितना जेन्युइनिटी है, जितना पेपर्स का अच्छा वैल्यू है उतना इंटरेस्ट अपन कम दे सकते हैं, बिकॉज बोलते ना जितना बेटर रेटिंग है उतना इंटरेस्ट उस चीज का कम होता है। और कुछ हमारे ऐसे भी लोन्स होंगे जिसका इतना अच्छा पेपर्स नहीं है, उनके ऊपर अपन ज्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं और अपन लोग उनसे इंटरेस्ट ज्यादा ले भी रहे होंगे। सो अब यहां क्या हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये पेपर्स को साथ में लेगा, समझ लेगा और अब इस बंडल करके अब इसको अनबंडल करेगा और इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगा। ये प्रोडक्ट अपन जाके इन्वेस्टर को देंगे और इन्वेस्टर को दिखाएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो ये जेन्युइन हम लोग के पास यहाँ पे पेपर्स है, क्या इस बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? इन्वेस्टर बोलेगा यस, आपके पास तो आप मेरे को सिक्योरिटी दे रहे हो तो इन्वेस्टर से अपन पैसा ले लेंगे। अब ये जो मेरे पास पैसा आया है वो मैं और जो नए लोग लोन लेने के लिए मेरे पास आ रहे हैं उन लोगों को मैं लोन दे दूंगा। कैसा लगा आइडिया? मस्त है ना। सो अब मेरे पास जो कस्टमर आ रहा था मैं उसको ये बोलूं कि दूसरे बैंक के पास जाओ, उससे अच्छा मैंने ये इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब होगा क्या पता है क्या, यहां पे जब मेरे पास ये जो 500 करोड़ वाले जो लोग हैं, ऑटो लोन वाले, होम लोन वाले, बिजनेस लोन वाले, ये जैफे जैफे मुझे पैसा देते जाएंगे वो पैसा मैं इन्वेस्टर को देते जाऊंगा, उसका मेरे पास यहां पे इंटरेस्ट आएगा, मैं सामने मेरे इन्वेस्टर को इंटरेस्ट दे दूंगा, है कि नहीं? यहां पे मेरे पास से प्रिंसिपल रीपेमेंट आएगा, मैं मेरे इन्वेस्टर को प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दूंगा। इससे क्या ना, इससे सबका काम हो गया, ठीक है ना। मेरे को एडिशनल फंडिंग चाहिए था टू गेट मोर कस्टमर्स, तो क्या ना इससे वो मेरे पास आ गया है। जो इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए था वो भी सिक्योर्ड वाला, वो उसको मिल गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पे ऑब्वियसली अश्योर कर रहा है दैट थिंग्स आर बीइंग डन इन द राइट प्रोसेस, और ये सबको मैनेज करने के लिए बीच में एक मर्चेंट बैंकर भी होता है। तो मोटा मोटा
आप लोगों को सिक्योरिटाइजेशन का पूरा पूरा आइडिया आ गया, राइट। अब इसके बेसिस पे अगर मेरे को आंसर लिखना है तो आई थिंक थिंग्स आर वेरी वेरी इजी एंड मैनेजेबल नाउ। सो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, बैंक लोन देता है कस्टमर को, अब इसको ओरिजिनेटर बोलते हैं, ऑब्लाइजर बोलते हैं, वो सब चीजें अभी फटाफट समझ लेंगे, डोंट वरी। सो बैंक क्या करता है, लोन लेता देता है पहले कस्टमर को, लोन इतना सारा उसने दे दिया कि उसके पास पैसा खत्म हो गया, बट इतने सारे लोन दिए कि लोन के पेपर्स आए हैं और वो लोन के पेपर्स को अब मैं एसेट में कन्वर्ट करता हूं, वो लोन के पेपर्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को देता हूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको स्टडी करके अपने वो बोलता है कि बहुत सब सही है, इसको अपन इन्वेस्टर को देते, इन्वेस्टर से पैसा लेंगे, वो जो पैसा है उसे नए कस्टमर को देंगे, नया इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी जो मेरा पुराने जो भी लोन दिए उनसे जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट आया है उसके मैं यूज करूंगा मेरे इन्वेस्टर को देने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ए समझो एवरीबॉडी, बस तो यहां पे अपने को यही प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन में फॉलो करना है। तो लेट्स सी ये रहा। सो ये रहा मेरा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। क्या है देखो, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो मैंने ना, मेरा मेन काम यहां पे आप लोगों को ना ये समझाना ही था, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाला बिकॉज मेरे को एकदम क्रिस्प वीडियो रखना है, बिकॉज आई वॉन्ट कि एटलीस्ट आप 2 से 3 बार ये थियोरी को आपके मेन एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के पहले कर ले। 15 पेज का ये थियोरी रखने का एक ही रीजन है, दैट इससे आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाए एंड मैंने सारा का सारा थियोरी, जितना भी आपके मॉड्यूल का थियोरी है उसका जितना भी मेन मेन पॉइंट्स है ना, सब इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। अब 15 पेज है तो फटाफट भी हो जाएगा और अपने को टेंशन भी नहीं रहेगा किसी चीज का, ठीक है। तो मैं क्विक फायर लेवल पे अभी आप लोगों को एकदम बता देता हूं, लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया इसका, अब थोड़ा अपन फास्ट वे में कर लेंगे, बाकी आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आई होप इस लेवल तक अभी उतना आप लोगों का प्रिपरेशन हो गया होगा। सो सबसे पहला है मेरा क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला है मेरा क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो अब मेरा एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गया, नया इन्वेस्टर हो गया, एसपीवी क्रिएट हो गया है, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। पहले मैंने जितना भी मेरे पास था लोन का पेपर्स उसको बंडल किया और फिर अलग 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 मैंने ट्रेंचेस में, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस में, उसको अनबंडलिंग किया। कहां पे होता है ट्रेंचेस, यहां पे। ये जब मैं ये जो मेरे लोन पेपर्स है ना, इस लोन पेपर्स को अब अलग अलग प्रोडक्ट्स में मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। जिसको कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है उसको ऑटो लोन का पेपर्स का एक ट्रेंच बना के दे देंगे, जिसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है उसको होम लोन का एक ट्रेंच बना के दे देंगे, समझू। सो दैट्स हाउ इट इज डन। सो उसको बोलते हैं बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। फिर बाद में आता है टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो आई थिंक काफी अच्छी तरह से रिस्क मैनेज हो गया है, मेरा जो इन्वेस्टर है वो भी रिस्क फ्री है, उसको भी लग रहा है कि यार सिक्योर चीज मिल रही है, स्ट्रक्चर्ड वे में फाइनेंस हो गया है। ट्रेंचिंग आप लोगों को मैंने समझा दिया, होमोजेनिटी मतलब जिसको जैसा लोन चाहिए उस हिसाब से मैं एक ट्रेंच बनाऊंगा और उसको दे दूंगा। होमोजेनिटी का मतलब होता है ऑफ सेम थिंग, ठीक है ना। तो सेम चीज को बोलते हैं होमोजेनिटी। तो जैसा जैसा इन्वेस्टर का प्रेफरेंस है उसको वैसा मैं बंडलिंग करके देता जाऊंगा। चलो नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं अपन लोग, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा ओरिजिनेटर कौन होता है। तो ओरिजिनेटर अपना बैंक, ओरिजिनेटर अपना बैंक। तो ये जो मेन आईसीआईसीआई बैंक था वो कौन था, मेरा ओरिजिनेटर। फिर होता है एक ऑब्लाइजर, वो होता है मेरा मेन कस्टमर जिससे जिसको मैंने लोन दिया। फिलहाल ओरिजिनेटर जो मेन वर्ड है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो ओरिजिनेटर मेरा है ये बैंक। बैंक तो सबसे ज्यादा खुश हो गया बिकॉज उसने अपने बैलेंस शीट को टच भी नहीं किया और उसके पास एडिशनल फंडिंग आ गया। भाई मैंने तो मेरे बैलेंस शीट को कुछ भी नहीं किया, ये तो ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग हो गया ना, ठीक है ना। मैंने जो भी पेपर्स था वो खाली मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को दे दिया, उसने बंडलिंग अनबंडलिंग करके नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सारा काम हुआ मेरे एक नए एसपीवी के सेटअप के थ्रू। सो वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग। फिर बाद में क्या बोला है, देखो मोर स्पेशलाइजेशन इन द मेन बिजनेस। अभी देखो मेरे को फिर बाद में मेरे मेन बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, एसपीवी मेरा बाकी का सारा काम कर लेगा, मेरे फाइनेंशियल रेशियोज भी बेटर हो जाएंगे बिकॉज अब मेरे पास फंड्स भी आ गया है, एट द सेम टाइम मैंने कोई चीज डाइल्यूट भी नहीं की है, बोरोइंग कॉस्ट भी ओवरऑल बेस पे रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज सी मेरे को जो लोन मैंने दिया है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है एंड जो मैं सामने इन्वेस्टर को दूंगा उसमें थोड़ा मैं एक डिफरेंस रखूंगा, सो दैट आई टेंड टू गेन। फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी खुश, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, तो उसने भी एक नए इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, उसको तो एक सिक्योरिटी भी मिल गया है एंड डिफॉल्ट का भी चांस नहीं है बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट एनहेंसर्स है, इतने सारे लोग है यहाँ पे। अच्छा इसमें अभी देखो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स कौन होता है, एक होता है ओरिजिनेटर जो मेन बैंक है, एसपीवी, एसपीवी में ही तो ये सब ट्रांजेक्शन हो रहा है, और तीसरा है मेरा इन्वेस्टर, और फिर साथ में सेकेंडरी इन्वेस्टर जैसे ऑब्लाइजर्स है,
तो मैंने बोला आपको ऑब्लाइजर्स कौन है, जो मेरा मेन कस्टमर है, जिसको मैंने 500 करोड़ का पहले लोन दिया था, वो मेरा ऑब्लाइजर है, ठीक है ना। अभी ये सब वर्ड्स आप लोगों को क्लिक होते जाएंगे, बिकॉज अपना वो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरा अपने को क्लियर है, राइट गाइस। फिर बाद में होता है इसमें यहाँ पे एक रेटिंग एजेंसी, बिकॉज ये रेटिंग एजेंसी जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक आई कैन नॉट मेक द ट्रेंचेस। फिर रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट हु विल वर्क ऑन आर बिहाफ, एजेंट और ट्रस्टी, एक ट्रस्टी ट्रस्ट फॉर्म करना पड़ेगा सो दैट कहीं पे भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए। क्रेडिट एनहेंसर, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ एक क्रेडिट एनहेंसर होगा जो अप्रूव करेगा दैट यस, इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस देगा दैट यस द ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन राइट। एंड स्ट्रक्चरर, ये बेसिकली मेरा एक मर्चेंट बैंकर होगा जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, आई थिंक अभी ये सब अपना मैकेनाइजेशन क्लियर है। पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट हो गया, एसपीबी को ट्रांसफर किया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा थ्रू मर्चेंट बैंकर एंड क्रेडिटिंग एजेंसी, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। अब यहाँ पे जो भी मेरे पेपर्स है वो सारे के सारे क्रेडिटिंग एजेंसी के पास है, एसपीवी के पास है। अब जब जरूरत पड़ेगा, जब मेरे ऑब्लाइजर का लोन कंप्लीट हो जाएगा, तो वी विल गेट दैट पेपर्स एंड अपन वो पेपर्स उसको दे देंगे रिटर्न। सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स वही कर रहे हैं अपन लोग अभी, जो सिक्योरिटाइज पेपर्स थे उसी को सेल कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ फंड्स, तो जो भी फंड्स अपन ने लिए अब इन्वेस्टर को पे कर देंगे, किसके थ्रू, तो जो मेरे को 500 करोड़ का भी रीपेमेंट आते जाएगा ईएमआई का, उससे मैं रीपे करते जाऊंगा। क्रेडिट रेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी अभी ये इंस्ट्रूमेंट अपन लोग बना रहे थे ऑल क्रेडिट रेटेड, तो अपने को टेंशन नहीं है। क्या प्रॉब्लम आता है, स्टैम्प ड्यूटी, कई बार आपको दो दो बार स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, बिकॉज अब आप एसपीवी भी है और इन्वेस्टर भी आ गया है, ओरिजिनेटर भी है, ऑब्लाइजर भी है, तो स्टैम्प ड्यूटी का मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ सकता है। फिर टैक्सेशन एस्पेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका अकाउंटिंग कैन बी प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सी इंडिया जैसी कंट्री में अभी तक ये चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है, सो देयरफॉर इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इनएडिक्वेट डेट मार्केट, द डेट मार्केट ऑफ यूएसए इज मच बिगर देन इक्विटी मार्केट, अनलाइक इंडिया। इंडिया में इतना डेट मार्केट के ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं है। इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस, अगेन इंडिया में फोरक्लोजर मतलब अगर किसी को प्रीपे करना है तो पेनल्टी बहुत ज्यादा है, एंड देयरफॉर इट क्रिएट्स इश्यू। खाली एसबीआई है जो आपको फोरक्लोजर के बेसिस पे आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता है, बाकी सारी बैंक्स ज्यादा चार्ज करती है। तो वो अगर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो आई थिंक दिस विल बिकम इवन बेटर। सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे सबसे देखो पहले है पास थ्रू सर्टिफिकेट। तो एक बार कई बार पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू करते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट का इशू, पास थ्रू सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इन्वेस्टर को डायरेक्टली जो भी मेरा जो कस्टमर है जिसको 500 करोड़ दिया है, वो जब रीपे करेगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल एज इट इज, मैं इन्वेस्टर को दे दूंगा। दूसरा पे थ्रू सिक्योरिटी, वो जैसे ही पे करेगा मैं पूरा का पूरा उसको नहीं दूंगा, खाली जितना इन्वेस्टर को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट ड्यू है उतना ही दूंगा, बाकी का जो एक्सेस आया है वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं पे, दैट इज कॉल्ड एज पे थ्रू सिक्योरिटी। एंड आता है फिर स्ट्रिप सिक्योरिटी, जिसमें दो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे इनकम चाहिए, उनको इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी दे देंगे। कुछ है जिनको एक बहुत बड़ा सम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे जैसा आदमी है, तो मेरे जैसे आदमी को है ना खाली रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट आएगा, इनकम आएगा, सो आई एम हैप्पी, सो मैं इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा। बट से फॉर एग्जांपल मेरे पापा है, तो मेरे पापा को रेगुलर बेस पे थोड़ा अच्छा सम चाहिए, क्यों, तो उनको लग रहा है कि भाई मेरे को उनके बच्चों के एडुकेशन के लिए खर्चा करना है, मैरिज के लिए खर्चा करना है, तो उनके अभी बड़े बड़े कुछ खर्चे हैं जो आने वाले, तो इसके लिए ही विल गो इन टू प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी। तो वहां पे जो भी प्रिंसिपल है वो उनको रेगुलर बेसिस पे रीपे होते जाएगा। एंड प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिनेटर उस हिसाब से प्राइसिंग रखेगा कि भाई उसका जो आउटफ्लो होने वाला है वो कवर हो जाए, इन्वेस्टर उस हिसाब से रखेगा कि भाई उसका जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है, यील्ड टू मैच्योरिटी जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाए। नाउ ये चैप्टर में जो भी आप लोग का, आप अपना मॉड्यूल खोल लो, नहीं आप खोल लो मॉड्यूल और मॉड्यूल में देख लो, सारे जो भी मेन मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आयो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कीप कमेंटिंग सो दैट मुझे मोटिवेशन आते रहेगा फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर बाद में आ जाता है मेरा स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस इज एज गुड एज मेरा जो भी है शार्क टैंक इंडिया, एंड मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम लोग सब लोग शार्क टैंक इंडिया देख चुके हो, अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता जो सीए है, नंदिता जो सीए है, वो सबके कारण। तो आप लोग को ये चैप्टर समझने में समझाने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, और फटाफट सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। सो क्या क्या कैसे आप फाइनेंस कर सकते हो, तो भाई एक तो भाई खुद का जो पैसा है वो लगाओ, या फिर आपका कोई फ्रेंड फ्रेंड है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, वो लोग के पास ले लो, थोड़ा पर्सनल क्रेडिट ले सकते हो, पीयर टू पीयर लेंडिंग मतलब फ्रेंड से आप ले सकते हो, या फिर आपके सेम इंडस्ट्री में कोई लोग है उनसे आप लोग थोड़ा पैसा ले सकते हो। क्राउड फंडिंग, अगर आप लोग को बताओगे ये मिलाप.org और ये सब क्राउड फंड करते हैं, मतलब फेसबुक पे आप लोग ने ऐड देखा होगा कि भाई इफ
यू वॉन्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब मेरे पास एक आइडिया है और मेरे को वो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दैट यस यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई कंपनी, यू कैन फंड इट, आई विल गिव यू शेयर। और हम एक दूसरे को जानते नहीं है तो फिर भी ये चीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। माइक्रो लोन छोटे छोटे लेवल पे लिया जाता है। फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, तो अगर कोई कंपनी है जिसके पास बहुत सारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स पड़े हैं तो वो जाके एक फैक्टर को दे सकता है। तो से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल है, मैं जाके एक फैक्टर को दूंगा, तो वो फैक्टर बोलेगा भाई 100 में से 95 मैं तेरे को दे देता हूँ, 5 मेरा कमीशन, अब वो 100 रुपए मैं रिकवर कर लूंगा, जो 100 रुपए उसको मिल गए उसमें से मैंने उसने मुझे 95 दिया, 5 रुपए उसका कमीशन, ही इज हैप्पी। पर मेरा तो काम हो गया, तो वो जो अकाउंट्स रिसीवेबल है जो इसका पैसा मेरे को 2 साल बाद आना था बट मुझे अभी जरूरत है, तो वो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। वेंडर फाइनेंसिंग, तो कई बार आप आपके जो वेंडर है, जो सप्लायर है, उसको बोल सकते हो कुछ फाइनेंस करने को। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, तो परचेज ऑर्डर से फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस से कुछ परचेज ऑर्डर आ गया, तो वो परचेज ऑर्डर लेके जाओगे आप बैंक के पास और बोलोगे भाई देख रिलायंस का परचेज ऑर्डर है, रिलायंस का, रिलायंस ने मुझे परचेज ऑर्डर दिया है, तो उसके बेसिस पे भी आपको लोन मिल सकता है। सो ये कई तरीके हैं, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, राइट। फिर बाद में है नेक्स्ट प्रिच प्रेजेंटेशन, तो अभी अगर आपको शार्क टैंक इंडिया ने बुलाया तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो आप पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन दोगे, टीम के बारे में बताओगे, क्या प्रॉब्लम को आप चेंज करना चाहते हो। अगर आप लोगों ने पीयूष बंसल को सुना होगा तो ही ऑलवेज सेज कि आई एम लुकिंग फॉर अ बिजनेस विच इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन ला रहे हो, मार्केटिंग सेल्स में आपका क्या है, क्या प्रोजेक्शन या माइलस्टोन्स पहुंचा है आपका कि भाई आपने कितना, आपका रन रेट कितना है, आप लोग सुनते होगे लास्ट 3 साल में कितना सेल्स किया है 2 साल में, तो वो इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है। कॉम्पिटिशन को आप कैसे टैकल कर रहे हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, एंड फाइनेंसिंग के आपके तरीके क्या है, ये आप पिच प्रेजेंटेशन में बेसिकली डिस्कस करते हो। फिर बाद में आ जाता है आप लोगों का मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स, तो 3 मोड्स हैं। सबसे पहले है बूटस्ट्रैपिंग, ये भी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बूटस्ट्रैप का मतलब है खुद से फाइनेंस रेज करना। आज की तारीख में सबसे बेस्ट यूनिकॉर्न जो बूटस्ट्रैप्ड है वो है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा आप लोगों ने सुना होगा, निखिल कामत, नितिन कामत की कंपनी है, दे आर टोटली बूटस्ट्रैप्ड एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल। तो बूटस्ट्रैप का मतलब होता है खुद के पैसे से कोई भी बिजनेस अब आप सेटअप करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग। अब उस बूट, तो अभी देखो ये वर्ड मैंने समझा दिया है, अब खुद के लैंग्वेज में लिख कर आओ, राइट। सीट मतलब खुद से आप लोग ने फंड करके कोई बिजनेस चालू किया, उसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, समझे। फिर बाद में आ जाता है आपका ये 3 पार्ट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग। तो अभी ट्रेड क्रेडिट, बूटस्ट्रैप वाला जो बंदा है वो कई बार ट्रेड क्रेडिट का जरूरत पड़ता है, तो अगर मेरे को कोई चीज बिजनेस करना है तो मैं मेरे क्रेडिटर को बोलूंगा कि सर थोड़ा मुझे क्रेडिट एक्स्ट्रा दे दो। फैक्टरिंग, अगर मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल है तो वो मैं जाके डिस्काउंट करवा के पैसा रेज कर लूंगा। या फिर लीजिंग, तो कई बार मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा मशीनरी के ऊपर, उससे अच्छा उसको मैं लीज कर लूंगा। फिर बाद में होता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है इनिशियली जब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं किसी फंडिंग वाले कंपनी के पास जाऊंगा विद एक्सपेक्टेशन कि भाई ठीक है थोड़े टाइम में उनको मैं रिपे कर दूंगा, और उनकी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है कि बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट चाहिए। तो ये होता है एंजल फंडर्स एंड वेंचर कैपिटल फंड, जिनके बारे में अभी अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सिक्योर कैपिटल इज वन ऑफ द बेस्ट वेंचर कैपिटल फंड जिसने इंडिया में काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वेंचर कैपिटल ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव अ एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग ह्यूज रिटर्न। अगर आप लोगों को बताओ तो जोमैटो, नाइका, पेटीएम, ये सारे ये लोग ने जो लिस्ट किया है ना, ये इन्होंने वेंचर कैपिटल फंड को रीपे करने के लिए। भाई वेंचर कैपिटल फंड बोलता है कि मेरे को ये 10 साल के अंदर 10-20 times, 5 साल के अंदर 20 times रिटर्न चाहिए, ठीक है। और आईपीओ इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट ऑल योर फंडिंग इनटू बेस्ट रिटर्न्स, ठीक है। सो उन्होंने उस हिसाब से वर्किंग होता है। तो वेंचर कैपिटल फंड को पैसा चाहिए क्विक टाइम में, बट एट द सेम टाइम वो आपके आइडिया में तब इन्वेस्ट करेगा जब कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, दैट्स द रिस्क दैट दे आर टेकिंग। सो पेटीएम में जब इन्वेस्ट किया था वेंचर कैपिटल ने, तब थोड़ी ना उसको पता था कि इतना ह्यूज लेवल पे आ जाएगा, या फ्लिपकार्ट है या जोमैटो है, ये सब कंपनीज में वेंचर कैपिटल ने ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया था जब इंडिया में कोई स्टार्टअप कल्चर नहीं था और तब इतना स्कोप है वो पता भी नहीं था। सो लेट्स सी क्या अभी यहाँ पे है। वेंचर कैपिटल इज जनरली फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, परचेज देयर इक्विटीज शेयर्स, कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करना है उसमें वो हेल्प करते हैं थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। वेंचर कैपिटलिस्ट का एक लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, यूजुअली 5 years। अगर आपके पास लैक ऑफ लिक्विडिटी है देन यू कैन गो टू वेंचर कैपिटल, इनके पास बहुत सारा पैसा है। सो इनके पास कभी लैक ऑफ लिक्विडिटी नहीं होती है, दे आर रिस्क टेकर्स बट दे बिलीव इन इक्विटी पार्टिसिपेशन। फिर बाद में आ जाता है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटल इज सबसे बेस्ट। बॉस वो लोग के पास जो नॉलेज है वो लोग फंडिंग लाके दे सकते हैं, और भी वो लोग के पास कनेक्शन है आइडिया लेकर आ सकते हैं,
लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस मिल जाता है, एक बिजनेस पार्टनर है जो आपके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर कर रहा है, दे विल गिव यू प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है उन लोगों का। तो पब्लिक आईपीओ के लिए अगर आपको जाना है तो अगेन इट मे बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एडिशनल फंड्स ऑफ राउंड ऑफ फंडिंग चाहिए तो भी आप कर सकते हो बाय ब्रिंगिंग अ वेंचर कैपिटल इन योर इंडस्ट्री। स्टेजेस होते हैं, अगर आपको सीड मनी चाहिए, सीड मनी मतलब एकदम जस्ट मेरे को एक आइडिया आया है तो और मेरे को पैसा चाहिए, उसको कहते हैं सीड मनी। बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का रिस्क होता है उसमें। नेक्स्ट लेवल, अगर आपका सीड मनी आ गया है, थोड़ा बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप लेवल पे आप आ जाते हो तो भी रिस्क है, बट दैट इज एट अ हाई लेवल रिस्क। फिर फर्स्ट राउंड होता है तो भाई थोड़ा आपका अभी सेल्स होना चालू हो गया है, फिर वर्किंग कैपिटल अगर आपको चाहिए तो सेकेंड राउंड फंडिंग होता है। अगर आपको और अभी अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसको मेजनीन फाइनेंस बोलते हैं, एंड अगर आपको आईपीओ के लिए जाना है और पैसा चाहिए तो उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। सो ये लेवल ऑफ रिस्क भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज पर मॉड्यूल, एंड वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। फिर वीसी का जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है उसमें द होल प्रोसेस इज दिस, डील ओरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, ड्यू डिलीजेंस, फिर डील को स्ट्रक्चर करके, जो भी पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान मतलब कितने साल में आप रहोगे, एंड फिर बाद में आप अपना ये वेंचर कैपिटल को लिक्विडेट कर दोगे हमारी कंपनी में। सेक्टर किस, कौन से सेक्टर के ऊपर उनको फोकस करने, दे आर वेरी क्लियर। प्रमोटर का फोकस क्या है, कितना टर्नओवर चाहिए, क्या स्टेजेस पे वो लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे, ऑल ऑफ दैट इज डिसाइडेड वेल इन एडवांस। यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक फंड्स, एक ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड में इंटरनेशनली अगर अपने को कुछ फंडिंग मिलता है तो जैसे टाइगर ग्लोबल है, जैसे सॉफ्ट बैंक है, तो ये सब मेरा ऑफशोर फंडिंग होता है। डोमेस्टिक फंडिंग अगर डोमेस्टिकली मैंने पूल किया है तो। सो ये मेरा हो गया इसी के साथ चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस। आई होप वी आर क्लियर, एंड फटाफट आप लोगों को चीजें समझ में आती जा रही है, मजा आते जा रहे हैं। नेक्स्ट के ऊपर चल रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी काफी इजी चैप्टर है, इसमें वार के ऊपर प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, वो आप लोग अलग से कर लेना। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। सो कोई भी कंपनी के चार तरह के रिस्क होते हैं, और वो चार तरह के रिस्क में फाइनेंशियल रिस्क को और पांच तरह में डिवाइड किया है, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। अभी देखो यहां पे ये चीजें आपको खाली ध्यान में रखनी है, मेन मेन पॉइंट्स, बाकी अंदर का तो आप लोग यार कुछ भी लिख कर आओ ना, क्या टेंशन है। स्ट्रेटेजिक रिस्क में होता है कि भाई देखो जियो ने जैसे एक स्ट्रेटेजिक रिस्क लिया था, क्या कि भाई वो फ्री में सब लोगों को उसने स्टार्टिंग में अपना बांट दिया। अब वो टाइम पे उसने अगर फ्री में बांटा और लोगों ने नहीं लिया होता तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है। तो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाया, इफ दैट डज नॉट वर्क देन इट बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक रिस्क फॉर यू। कंप्लायंस रिस्क, कई बार गवर्नमेंट के कंप्लायंस के हिसाब से अगर आपने नहीं चले देन इन दैट केस इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे वोडाफोन आइडिया, तो उनको टैक्स अप्रॉक्सिमेटली 10,000 का टैक्स भरने को आ रहा है बिकॉज उन्होंने कंप्लायंस के हिसाब से टैक्स पे नहीं किया। ऑपरेशनल रिस्क, अगर आप लोग का जो ऑपरेशन है वो बंद हो जाए तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क was faced by Kodak. तो Kodak को एक बहुत बड़ा operation, देखो strategic risk was taken by Nokia. तो Nokia smartphone industry में बहुत late आया, तो उन्होंने एक strategic risk लिया. Operational risk was faced by Kodak. तो digital जब यहाँ पे cameras आ रहे थे, तब वो लोग उन्होंने वो चीज को नहीं लाया. So that was a operational risk. राइट, एंड देन फिर बाद में फाइनेंशियल रिस्क। इसमें बहुत सारे रिस्क आते हैं, जैसे पहला है मेरा काउंटर पार्टी रिस्क। तो काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब काउंटर पार्टी ने अगर पैसा देने से इनकार कर दिया तो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो काउंटर पार्टी रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क से फॉर एग्जांपल मैं आज की तारीख में सारा का सारा इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से, और कल अगर एक मुझे आवाज सुनने को मिलती है मित्रों इंडिया के चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है, आज से इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विद चाइना बंद, तो मेरे तो रस्ते लग जाएंगे। मैं बोलूंगा अरे भाई मैं तो चाइना से ही पूरा इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो एक पॉलिटिकल आपको रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क ऊपर नीचे होते रहता है, सो अगर आपने बहुत ज्यादा लोन लिया है सो इट कैन बिकम अ रिस्क फॉर यू। करेंसी रिस्क, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो करेंसी ऑब्वियसली इज अ रिस्क फॉर यू। एंड लास्ट में है लिक्विडिटी रिस्क, भाई अब इनफ पैसा होना चाहिए, बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो जाते हैं ये लिक्विडिटी रिस्क की वजह से, बिकॉज उनको फंडिंग मिलता है बट दे आर नॉट एबल टू सिक्योर इनफ इनफ्लोज। तो ये आपके सारे रिस्क है, इसमें से जितना याद रहे याद रख के लिखकर आ जाना, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंस, उसके अंदर काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ये जो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है, इसमें सबसे पहले मेरे को देखना है स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि भाई देखो स्टेक होल्डर जो है ना उसको बहुत टेंशन रहता है कि यार जो हम लोग
कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट ना ले लिया, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा डेट ले लिया और कंपनी लिक्विडेट होगी ना, तो पहले डिबेंचर होल्डर को रीपे करेंगे, तो वो थोड़ा शेयर होल्डर को टेंशन रहता है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सेसिव बोरोइंग ना होना चाहिए, लिक्विडेट ना हो जाए हमारी ये कंपनी किंगफिशर के जैसी। एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के भाई देखो, अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बंद हो गई, देन इन दैट केस गवर्नमेंट को उनको फिर बेल आउट करना पड़ता है, जैसे लीमन ब्रदर्स के केस में हुआ था। फिर बाद में एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोग के लिए, वैल्यू एट रिस्क। बहुत सही है, वैल्यू एट रिस्क बताता है कि भाई आपका जो पोर्टफोलियो है, आपने जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, उसको एवरीडे डाउनग्रेड होने का कितना चांसेस है। सो यहां पे वर्स्ट केस सिनेरियो आपने को देखना है, लॉस पर डे कितना हो सकता है। सो ये सब चीज के लिए आपका कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फीचर्स ऑफ वैर में कि भाई कितना टाइम पीरियड है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपका मैक्सिमम इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पर आप लोग करते हैं, वन डे का लॉस, वन वीक, वन मंथ, ये आप आपके क्लाइंट को पहले से बोल के रखोगे, भाई देखो आपने इन्वेस्ट किया मेरी कंपनी में या मेरे पोर्टफोलियो में, तो यू विल फेस दिस मैक्सिमम रिस्क। कितना प्रोबेबिलिटी है ये लॉस होने का, रिस्क अपन लोग कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर फीचर्स ऑफ वार। कैसे आप इसको अप्लाई करते हो, सो इससे आपको पता चलता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आपको कितना हो सकता है। बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सो आपका परफॉर्मेंस आप इससे मेजर कर सकते हो। फिक्स लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग, ये बहुत जगह पे होता है कि बस इससे ज्यादा अगर लॉस नहीं होना चाहिए तो आप इससे ज्यादा डील नहीं करोगे। अगर उनको लग रहा है कि भाई से 50 लाख के ऊपर डील किया तो आपको 10 लाख के ऊपर इसका लॉस हो सकता है, तो 50 लाख बोलेगा, इससे ज्यादा आपको डील नहीं करना है। एनेबल मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी वायर को यूज किया जाता है कि भाई कितना मेरा लायबिलिटी एट रिस्क है। फिर बाद में आ जाते हैं यहां पे जो काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, जो मैंने बताया था उसको कैसे आपको पता चलेगा कि भाई देखो मेरा यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क हो रहा है। सो अगर नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन आ गए, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आ गया, तो ये सब चीज की वजह से आपको काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, पहले एक ड्यू डिलीजेंस कर लो भाई, जो काउंटर पार्टी है वो सही आदमी है कि नहीं है। ओवर एक्सपोज मत करो अपने आप को किसी चीज, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपका नेटवर्थ है 10 करोड़, उसमें से 8 करोड़ आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर फोकस कर दिया, तो वैसा मत करो, ओवर एक्सपोज मत करो। परफॉर्मेंस गारंटी एक बार इंश्योरेंस आप लोग को करवा लेना चाहिए। पॉलिटिकल रिस्क अपने सबको बताया कि भाई कुछ भी रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, करेंसी इश्यूज है, फॉरेन एसेट्स कुछ अगर एक्सप्लोइट हो रहे हैं, सो ये सब चीज है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉरेन में अगर कुछ एसेट्स है एंड देर इज अ वॉर विद दैट कंट्री, देन इन दैट केस वो एसेट इज अ रिस्क फॉर मी। सो इसके लिए आप जितना हो सकता है लोकल लोगों से लो, ज्वाइंट वेंचर में काम करो, लोकल फाइनेंसिंग करो, तो टेंशन नहीं रहेगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क अगेन मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर लास्ट है मेरा करेंसी रिस्क, तो करेंसी रिस्क अगेन गवर्नमेंट एक्शन के ऊपर बेस्ड है, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज्यादा मेरा करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, सो ऑल ऑफ दिस वॉर रिबेलियन ये सब की ऊपर मेरा करेंसी रिस्क बेस्ड है। सो अगर आता है क्वेश्चन तो वी हैव टू राइट दिस इन द एग्जाम। चलो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज माय सिक्योरिटी एनालिसिस। चलो सो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सिक्योरिटी एनालिसिस। सो यहां पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जो यूजुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, दैट वी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज ऑफ द कंपनी, कंपनी का बिजनेस कर रहा है, कंपनी का आगे स्कोप क्या है, कंपनी का आगे बिजनेस में स्कोप क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, जी हाँ, उसको ये मार्केट सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, उसके प्रिडिक्शन के बेसिस पे जब वो ट्रेडिंग करते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये देखो फंडामेंटल एनालिसिस आपका डिविडेंड ग्रोथ को स्टडी करेगा, इकोनॉमिक एनालिसिस इंडस्ट्री कंपनी सब चीज को, से फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बहुत स्कोप चालू है, तो ईवी वैसी वाली कंपनीज में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंडस्ट्री को एनालाइज किया, इकोनॉमी को एनालाइज किया कि भाई देखो इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनका मैंने कमेंट सुना कि यस वी वॉन्ट टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। कंपनी का एनालिसिस क्या कि कंपनी से टाटा एक अच्छी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना चाहती है, तो मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। सो दैट ऑल इज कॉल्ड एज फंडामेंटल एनालिसिस। सो यहाँ पे पहला इकोनॉमिक एनालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, तो आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स कैसा है, सो नेशनल इनकम ग्रोथ कितना अच्छा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ग्रोथ कितना है अच्छा है, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो दैट इज नॉट गुड, सो इन्फ्लेशन कितना है, मंसून में आपका ओवरऑल
कैसा चल रहा है, मानसून कैसा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मानसून के बेसिस पे एग्रीकल्चर इन इंडिया एग्रीकल्चरल में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. दूसरा, टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस. सो एंटीसिपेटरी सर्वे आप करवा सकते हो, इंडिकेटर अप्रोच है तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है. तो ओवरऑल से फॉर एग्जाम्पल अभी श्रीलंका, तो श्रीलंका में द इंडिकेटर्स आर नॉट गुड, तो वो लोगों को पता है उनका पॉलिटिकल सिनेरियो वाज नॉट गुड, सो दीज आर लीडिंग इंडिकेटर्स. लैगिंग इंडिकेटर्स इज से फॉर एग्जाम्पल टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो वहां पे ये लैगिंग इंडिकेटर्स दे रहे हैं दैट उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर फंडिंग ले लिया है चाइना के पास, एंड आज नहीं तो कल दे विल फेस अ इशू फॉर दैट. रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हो. तो ये कुछ पॉइंट्स है. सो कैसे आप इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे, तो एक एंटीसिपेटरी सर्वे करो कि ओवरऑल आपको मार्केट का सेंटिमेंट कैसा लग रहा है. दूसरा है आपके पास इंडिकेटर अप्रोच, तो लीडिंग रफली इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स कैसे है. एंड लास्ट इकोनॉमिक बिल्डिंग अप्रोच, तो ओवरऑल इकोनॉमिक बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ये सब चीजें देख के आपको पता चलेगा कि फंडामेंटली हाउ द ओवरऑल सिचुएशन इज, एंड देन यू कैन प्रॉब्ली इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड द इकोनॉमी. फिर बाद में आता है यहाँ पे इंडस्ट्री एनालिसिस, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एनी इंडस्ट्री, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना बड़ा है, डिमांड सप्लाई गैप कैसा है, तो क्या डिमांड एक्स्ट्रा है, सप्लाई कम है, या ओवरऑल सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो वो आपको एक देखना पड़ेगा. बैरियर्स टू एंट्री कितना है, अगर बैरियर्स टू एंट्री ज्यादा है देन इन दैट केस इट्स गुड फॉर दैट कंपनी, बिकॉज कम लोग आपको कंपीट करने के लिए आएंगे. गवर्नमेंट का एटीट्यूड आपके इंडस्ट्री के लिए कैसा है, तो जैसा मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट एटीट्यूड इज गुड, डिमांड इज गुड, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है आज की तारीख में. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो अभी वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे, बहुत जल्द ग्रोथ स्टेज पे जाएगा. स्टेट ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, तो इतना कॉम्पिटेटिव नहीं है इंडस्ट्री. सो ऑल ऑफ दैट, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इज अगेन एट अ गुड लेवल. तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखने के लिए यू कैन रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एग्जाम्पल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पल, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. टेक्निक यूज फॉर एनालाइजिंग इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स, रिग्रेशन एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंपनी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स पे आप कैसे करोगे, कंपनी का नेटवर्थ क्या है, फंड्स कहां से लिए, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है कि क्या नेटवर्थ है. ये मैंने एक्चुअली किया हुआ है जेपी मॉर्गन में बहुत सारी कंपनीज के लिए, तो कंपनी का नेटवर्थ क्या है, फंड्स कहां से लिए है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, रेशियोज कैसे है, डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, अपन लोग कितने लेवल पे अपन ने जो डेट लिया है उसको अपन रीपे कितना कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, ऑल ऑफ दैट. क्रॉस फंक्शनल एंड टाइम एनालिसिस, ग्रोथ रिकॉर्ड कैसा है मेरा, फाइनेंशियल एनालिसिस जो अभी मैंने आप लोग को बताया, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कितना अच्छा है आपका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही है वो देखना रेगुलर बेसिस पे जरूरी है, लेबर रिलेशंस कैसा है आपका, मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर. सो ये सब बेसिस पे आप डिसाइड करोगे दैट द कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट, एंड देन यू विल बेसिकली इन्वेस्ट. फिर बाद में आ जाता है टेक्निक्स यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस, सो कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस. सो ये बेसिस पे आप एक एनालिसिस भी अपना प्रोवाइड कर सकते हो. फिर बाद में आते हैं अपन लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. सो ये बोलता है कि भाई देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, तो वो पूरा ट्रेंड का ही गेम है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड देखा है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक बिहेवियर देखा है, उस बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं. बहुत सारी थियोरीज है, डाउ थियोरी, तो डाउ थियोरी क्या बोलता है कि तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, एक 12 मंथ्स टू 36 मंथ वाला, उससे आपको बुलिश या बेरिश ट्रेंड ओवरऑल बेसिस पे आपको से फॉर एग्जांपल पता चल जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई अगर मेरे को से रिलायंस का शेयर देखना है, RELIANCE रिलायंस शेयर प्राइस, तो ये रिलायंस शेयर प्राइस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक उसका ट्रेंड के बारे में पता चलता है. सो 12 मंथ्स टू 36 मंथ्स, ये देखो 5 डेज, 1 मंथ ट्रेंड, ईयर टू डे ट्रेंड, 1 ईयर ट्रेंड, तो इससे मुझे एक ट्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसके बेसिस पे मैं ये बता पाऊंगा कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट. ट्रेंड ऑफ 2 वीक्स देख सकते हो, नैरो मूवमेंट डे टू डे बेसिस का देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज डाउ जोन्स थ्योरी. फिर एलियट वेव थ्योरी, ये लोग ने 75 इयर्स का प्रिडिक्शन देखा, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखा और उसके बेसिस पे वेव्स क्रिएट की और फिर अपने एनालिसिस बनाए. इसमें इंक्लूसिव पैटर्न है, गो विद द फ्लो, कि भाई जो वेव का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, या फिर करेक्टिव पैटर्न उनको लग रहा है कि भाई चेंज हो रहा है अगर वेव का पैटर्न, देन इन दैट केस यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली. एंड देन फिर है मेरा रैंडम वॉक, तो याद रखना एलियट वेव 75 के बेसिस पे है, एक इंक्लूसिव पैटर्न है और एक करेक्टिव पैटर्न है. इंक्लूसिव पैटर्न गो विद द फ्लो, करेक्टिव पैटर्न चेंज इन मार्केट मूवमेंट अगर आपको लग रहा है तो. सो ये आप लोग यहां पे लिख सकते हो. एंड देन रैंडम वॉक थ्योरी है, रैंडम वॉक थ्योरी बोलता है कि यार शेयर प्राइसेस का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कि वो जो भी चेंजेस हो रहा है वो एक स्टैटिस्टिकल बेसिस पे, आप पास डेटा को एनालाइज करो, स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करो, दैट्स व्हाट टेक्निकल एनालिसिस सेज. देयर मे बी पीरियडिकल अप्स एंड डाउन्स,
बट देर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। फिर बहुत सारी चार्टिंग टेक्निक है, तो जैसे कैंडल स्टिक अप्रोच होता है, एक लाइन चार्ट बनता है, बार चार्ट बनता है कि भाई कैसा बार चल रहा है उसके शेयर का। फिर कैंडल स्टिक अप्रोच होता है, तो कैंडल स्टिक यहाँ पे एक बनता है, तो कैंडल स्टिक अगर यहाँ पे ये ऐसा बन रहा है तो इट्स पॉजिटिव, या फिर अगर कैंडल स्टिक ऐसा है तो इसका मतलब कि मार्केट डाउन जा रहा है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट, तो ये सब चार्टिंग टेक्निक के बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट के हाउ इट शुड बी। मार्केट इंडिकेटर्स है, ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बहुत ज्यादा है देन इट इज गुड, कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज गुड देन इन दैट केस इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI होता है, सी कैसे होता है, एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, तो अगर से रेजिस्टेंस अगर तोड़ दिया देन इन दैट केस और यहां से बहुत ऊपर जाएगा, और सपोर्ट को अगर नीचे, सपोर्ट के नीचे नहीं गया, सपोर्ट को तोड़ दिया देन इन दैट केस मार्केट नीचे जाएगा। सो ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो लोग स्टडी करते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर बाद में बहुत सारे प्राइस पैटर्न भी है, तो अपवर्ड चैनल दिखेगा मतलब राइजिंग प्राइस है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखेगा तो देखो हेड एंड शोल्डर्स है, ये इंसान का हेड एंड शोल्डर्स होता है, तो ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा तो इट्स का मतलब बेरिश, मार्केट नीचे जाने। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स अगर आपको दिखेगा तो बुलिश पैटर्न है। कॉइल फॉर्मेशन दिखेगा मतलब अनसर्टेनिटी है मार्केट में, बोल नहीं सकते। डाउनवर्ड अगर पैटर्न है, डाउनवर्ड चैनल बन रहा है तो फॉलिंग प्राइसेस, फ्लैग एंड पेनेंट बनता है मतलब प्राइस इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो ये सब बेसिकली प्राइस पैटर्न्स है। टेक्निकल एनालिसिस का क्वेश्चन आया तो चार पांच लिखकर आ जाना, यू विल बी एबल टू राइट इट। फिर होता है गैप अप एंड गैप डाउन, मतलब अगर मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे जो ओपनिंग था, आपका जो कल का क्लोजिंग था और ओपनिंग में बहुत बड़ा गैप है एंड गैप अप है, गैप ऊपर है, तो इसका मतलब मार्केट आज ऊपर जाएगा। गैप डाउन है मतलब मार्केट आज नीचे जाएगा, मतलब क्लोजिंग जो लास्ट का डे का था और आज का जो ओपनिंग है उसमें बहुत बड़ा फॉल है, देन इन दैट केस देयर इज अ गैप डाउन। सो ऐसा सिनेरियो है। डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड सम्स भी है, वो आप लोग देख सकते हो। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जहां पे आप कंपनी को एनालाइज करते हो, मैक्रो फैक्टर्स, कंपनी का GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबको जब एनालाइज करके आप इन्वेस्ट करते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ये सब यूज करोगे, यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। और आप खाली बेसिस प्रिडिक्शन के बेसिस पे, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जा रहे हो, देन वॉल्यूम के बेसिस पे जा रहे हो, देन इन दैट केस यू आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पे प्राइस ऑफ शेयर, डिस्काउंट्स, एवरीथिंग, प्राइस कैप्चर्स एवरीथिंग, तो उनका मानना है जो भी मूवमेंट हो रहा है वो चीज के बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ऑब्वियसली ऑलवेज फंडामेंटल एनालिसिस काम आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए यस टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट। फिर बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, तो उसमें जो मेन चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसमें तीन तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट बेसिस। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में कि आपके पास जो पास्ट का इंफॉर्मेशन है प्लस जो पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन है, एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मतलब पब्लिक के पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंडिया, देखो इंडिया इज इन सेमी स्ट्रॉन्ग लेवल कि आपके पास पास्ट का भी डेटा है और पब्लिक के पास जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो है आपके पास, समझ रहे हो। फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे अमेरिका, यूके, यूरोप, ये सब जिनके पास पास्ट भी डेटा है, प्रेजेंट भी डेटा है, पब्लिक का भी डेटा है, प्राइवेट डेटा भी है, तो आपके पास सब इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल है, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। और ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है इनका वीक फॉर्म ऑफ, इनके पास खाली पास डेटा है, पब्लिक का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्राइवेट भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है वीक फॉर्म ऑफ कंट्रीज में। सो मैं इसको अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमीज के हिसाब से इसको रेट करता हूं। फिर बाद में आ जाता है एम्पिरिकल एविडेंस, तो इसके लिए अगेन ये प्रैक्टिकल चीज है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फिल्टर रूल्स टेस्ट आप यूज कर सकते हो। चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थियरी, तो अगर आपके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं, इरेशनल बिहेवियर है या मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस है तो आप नहीं यूज कर पाओगे। देन ये चैप्टर है, चैप्टर वन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है, तो खाली आप अपने हिसाब से इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। देखो टिपिकल चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए आपको, मैक्सिमाइज वेल्थ, ये टिपिकल चीज है, आपको सब जगह दिखेगी। रिसोर्स कॉन्स्टेंट में कैसे आप बेटर कर सकते हो, कॉम्पिटिटिवनेस कैसे कर सकते हो। सो आई थिंक ये चैप्टर मोर ऑफ अ सेल्फ रीड चैप्टर, सो आई थिंक यू कैन डू दैट। हाँ, यहाँ पे जो एग्जाम में आएगा वो आएगा ये की डिसीजन विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, तो यही चारों आपको लिखने जाना है कि अगर आपको पूछा कि क्या डिसीजन है, क्या की डिसीजन है विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल
स्ट्रैटेजी तो यही चारों चीजें लिखनी है कि फाइनेंसिंग डिसीजन आपका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होना चाहिए, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन शुड बी टेकन इन अ प्रॉपर मैनर। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करना है तो यही तीन चीज आएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही तरह से यूज करना है, फाइनेंशियल टूल जो आपके रेशियोज है वो बराबर से होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स शुड बी इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी के ग्रोथ आपका कैसा होना चाहिए, डिविडेंड कितना दोगे आप, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैसे करने वाले हो, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। थ्री थिंग्स फॉर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये याद रखना पड़ेगा एज इट इज। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीन चीज लिखकर आनी पड़ेगी। वेज टू मेक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल, तो आपके पास एक से ज्यादा सोर्स होना चाहिए, आपका अच्छा इमेज होना चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप करते हो देन इन दैट केस योर ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल। फिर बाद में जो अपने टिपिकल चैप्टर्स है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं उसका अगर कुछ थियरी पूछना है तो वो भी मैंने लेके रखा है। तो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज है, तीन तरह की हो सकती है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। वैल्यूएशन अगर रियल एस्टेट का करना है तो चार तरीके से आप कर सकते हो, सेल्स कॉम्प मतलब मार्केट में क्या बेसिस पे सेल्स हो रहा है तो उसके कंपेरिजन को बोलते हैं सेल्स कॉम्प अप्रोच, इनकम अप्रोच के वो पर्टिकुलर रियल एस्टेट से कितना मुझे इनकम मिल रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है कोई भी रियल एस्टेट खरीदने को, एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज उससे मुझे कितना मिल रहा है। फिर म्यूचुअल फंड में एक कॉन्सेप्ट आ सकता है साइड पॉकेटिंग। तो क्या होता है कई बार म्यूचुअल फंड बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करता है, उसमें से फॉर एग्जांपल 90% मेरा अच्छा है, 10% मेरा इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ऐसी कंपनीज में चले गया जो अभी बोलते हैं ना जिनका फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, अब इसकी वजह से मेरा पूरा एनएवी खराब हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इतना 10% का जो है वो साइड कर देते हैं, साइड पे रख देते हैं, एंड बाकी जो एनएवी है दैट इज ओनली ऑन द पॉजिटिव पार्ट। जब ये जो साइड पे रखा है वो अच्छा होना चालू हो जाता है तब मैं इसको बाकी के फंड के साथ मर्ज कर देता हूं, उसको कहते हैं साइड पॉकेटिंग। फिर बाद में आता है ट्रैकिंग एरर। तो एक होता है बेंचमार्क रिटर्न, तो आपका जो कंपनी है वो बेंचमार्क रिटर्न से कितना डिविएट हो रहा है वो ये ट्रैकिंग एरर के थ्रू मेरे को पता चलता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो डी माइनस डी बार स्क्वायर, तो भाई कितना आप डिविएट कर रहे हो एक एवरेज बेंचमार्क रिटर्न से इज व्हाट इज going to be given by the tracking error। फिर बात में interest rate management, इसमें चार तरह के majorly swap होते हैं, plain vanilla, basic rate, asset and amortizing swap। तो यहाँ पे asset जो देखो plain vanilla swap होता है उसमें तो भाई loan के सामने loan, so मेरे पास fixed rate loan है, सामने वाले के पास floating rate loan है, मुझे floating चाहिए उसको fixed चाहिए, we will create a swap। asset swap में basically bonds का एक exchange होता है, तो मेरे को एक particular bond चाहिए उसके पास particular bond है वो basically swap हो गया, तो एक asset swap हो सकता है। उसमें equity swap भी आप कर सकते हो, तो मेरे को से उसको अडानी चाहिए बट वी हैव डिफरेंट शेयर्स तो वो भी आप स्वॉप कर सकते हो। फीचर्स ऑफ स्वॉप्शन, तो स्वॉप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप स्वॉप विद अ ऑप्शन डाल रहे हो तो से फॉर एग्जांपल मेरे को 3 मंथ का फिक्स्ड पीरियड का एक इंटरेस्ट चाहिए बट मेरे को लग रहा है कि आई वॉन्ट अ राइट फॉर इट, तो उसको बोलते हैं स्वॉप्शन। तो स्वॉप विद ऑप्शन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज अ स्वॉप्शन। सो यहां पर अगर आप स्वॉप में ऑप्शंस को भी इंक्लूड कर रहे हो, सो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस को भी आप इंक्लूड कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई देख मेरा अगर पॉजिटिव रहा, से फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि फिक्स्ड रेट लेना चाहिए और मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया देन इन दैट केस फिक्स्ड रेट इज गुड, बट अगर मार्केट का रेट नीचे गया और फिक्स्ड रेट मेरे को नहीं चाहिए तो आई विल नॉट एक्सरसाइज द राइट। सो ऑप्शंस बट फॉर इंटरेस्ट ट्रेडेड सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज स्वॉप्शंस, राइट। सो इसमें यूजुअली 3 मंथ का एक पीरियड होता है। ऑप्शन पीरियड रिफर्स टू टाइम इन विच ये आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसमें भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है विच इज गिवन एज बेसिस पॉइंट्स। स्वॉप्स कैन बी कैश सेटल्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। फिर बाद में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टाइम पे अगर कोई आप कंपनी आपकी कंपनी को अक्वायर कर रही है, आप टारगेट कंपनी हो और कोई हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है, उससे बचने के लिए मैं क्या टैक्टिक्स यूज कर सकता हूं वो भी यहां पे मैंने दिया है। सो डाइवेस्ट टीचर, इसका मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी है उसके बहुत सारे सेगमेंट्स है तो उसमें से थोड़े सेगमेंट्स को मैं क्या कर दूंगा, सेल ऑफ कर दूंगा। तो अभी जो सामने वाला टारगेट जो कंपनी था हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाला था मेरे को, उसमें से वो देख गया कि 5-6 कंपनी तो मैंने खुद बेच दिया तो मैंने डाइवेस्ट कर दिया, तो अब वो मेरी कंपनी को टेक ओवर नहीं करेगा। से फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें पॉइजन पिल, तो जहां पे ट्विटर ने यूज किया था इलॉन मस्क के अगेंस्ट में, तो पॉइजन पिल में क्या होता है, ये कंपनीज अपने ही कंपनीज में और बहुत सारे राइट शेयर्स इशू कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत बढ़ जाएंगे और वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद उनका वोटिंग लेंगे अपन लोग, हो सकता है कि फिर वो इतने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स देखकर तो हॉस्टाइल टेक ओवर ना करें। फिर बाद में नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं।
क्राउन ज्वेल्स, सो से फॉर एग्जाम्पल क्राउन ज्वेल्स का मतलब क्या होता है कि इसे टाटा सन्स को अगर कोई हॉस्टाइल टेक ओवर करने के लिए आ रहे तो टाटा क्या करेगा, उसका जो मेन कंपनीज है टीसीएस टाटा मोटर्स वो किसी और को दे देगा। तो अपना जो क्राउन ज्वेल्स था मेन कंपनी है वही हमने किसी और को दे दिया, अब तुम टाटा सन्स क्या ही अक्वायर करोगे। फिर बाद में इधर देखते हैं ग्रीन मेल, आप मेल कर सकते हो और सामने वाले को बोल सकते हो भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टेक ओवर। व्हाइट नाइट, ये भी कुछ कंपनीज होते हैं व्हाइट नाइट और व्हाइट स्क्वायर, सिमिलर है। व्हाइट नाइट का मतलब होता है कि आप आपके कोई फ्रेंडली कंपनी जो आपको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है उसको आप बोलोगे नहीं तू मेरे को जबरदस्ती खरीद ले या मेरा पार्ट खरीद ले, वो फ्रेंडली कंपनी को दे दोगे, अब आपका थोड़ा ही पार्ट बचा है, अब वो हॉस्टाइल टेक ओवर शायद ना करे। गोल्डन पैराशूट, इसमें क्या होता है कि आप आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको आप भर भर के रेम्यूनरेशन दोगे और बोलोगे अगर टेक ओवर होता है देन इन दैट केस मैनेजमेंट विल गेट द टॉप लेवल ऑफ से करोड़ों रुपए का आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। सो ऐसा करोगे तो वो सामने वाला तो खरीदेगा नहीं, उसको लगेगा कि यार खरीद लिया तो इतना सारा कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। पैकमैन, पैकमैन का मतलब होता है कि जब आप सामने वाले के ऊपर वो आपको खरीदने आ रहा है आप उसको बोलते हो कि नहीं मैं तेरे को तो ट्विटर खरीदने को आ रहा है टेस्ला, चल मैं टेस्ला को ही खरीद लेता हूं, तो आप एक काउंटर बिट दे देते हो, तो अगर काउंटर बिट दे दिया तो वो हॉस्टाइल टेक ओवर होने का चांसेस कम हो जाता है। सो ऑल इन ऑल ये जो बेसिकली इतना थ्योरी मैंने कंपाइल किया है, ट्राई किया है कि एकदम शॉर्ट में बेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। प्लीज ये वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार सुन लेना मेन एग्जाम में जाने के पहले, इसमें से कुछ आ गया तो वेल एंड गुड, विल बी एबल टू स्कोर गुड। प्लस आप इसको पूरा 2-3 बार गो थ्रू कर लेना आपके मोबाइल पे या जो भी आपके पास पीडीएफ है या अगर प्रिंट गया जो भी लेते हो, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल। एंड प्लीज अभी देखो बॉस अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन हो गया है, नाउ टाइम फॉर अस टू गिव द बेस्ट। अच्छी तरह से एकदम काम माइंड में रहो, ठीक है, कैलकुलेटर एटलीस्ट एक से ज्यादा ले लेना बिकॉज बहुत सारा कैलकुलेशन रहेगा। स्पीड अच्छा रखना, SFM में पेपर छूटना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये बार इंस्टीट्यूट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर रखेगा SFM पे, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, वो तो अब होगा तब भी पता चलेगा। एंड ऑल इन ऑल लेट्स गिव आर बेस्ट, अच्छा किया है अपन लोग ने, अब अपने को पीछे नहीं हटना है, ठीक है। स्टार्टिंग से स्पीड रखना, ये एक जनरल पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। फॉर्मूलाज याद आए तो फॉर्मूलाज लिखना, नहीं आए तो कोई इतना लोड नहीं है, इट्स ओके, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। लॉजिक्स जितना स्ट्रांग हो उतना आप लोग लॉजिक्स के बेसिस पे सॉल्व करना पेपर को, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज फॉर्मूला याद रहे आपको, लॉजिक्स है उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर कर आओगे कोई टेंशन नहीं है। थ्योरी एटलीस्ट 25 मार्क्स का आने वाला है वो सिक्योर कर लेना, तो वो भी अपने को फिर अच्छा एक पुश मिल जाएगा, ठीक है। चलो टाइम फॉर मीडू से हास्ता ला विस्ता, प्लीज अच्छी तरह से लिख कर आना पेपर, डू शेयर योर कमेंट्स, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एंड एवरीथिंग, एंड मिलता हूं मैं बहुत जल्द, टेक केयर, गिव योर बेस्ट, बाय बाय।